गुड मॉर्निंग गाइस। तो डे टू मेरा चालू हो चुका है। रात मेरी बड़ी डिफिकल्टी गई है, आप देख सकते हो। मैंने पैड हल्का सा लूज किया हुआ था और अब मैं सोचो तो बड़ा भयंकर चैलेंज है ये, इतना आसान नहीं है। पहली रात थी मेरी, बहुत डिफिकल्टी हुई है। आज का रूटीन मेरा स्टार्ट हो रहा है वही, जैसे कि कल मैंने अपना दिन पूरा किया था। मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, तो अपना दिन आज से फिर वही रूटीन काम चालू करूँगा। अपने अभी बच्चे को छोड़ के आना है, पहले खुद से रेडी हो जाना है। तो बड़ी थकान है आज, मेरे चेहरे से भी आपको लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा थकान है मेरे चेहरे पर, क्योंकि पैड फिर दोबारा मैंने नहा धो के रेडी होके पहन लिया है और ब्रेकफास्ट रेडी है। दोबारा से मैं आपको दिखा दूँ, आज ब्रेकफास्ट में भी कुछ नहीं मिला, खाली रस है। जैसे दिन दिन जोएंगे वैसे घर से बाहर ना निकाल दिया जाए मेरे को। तो आप लोगों को पूरा सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यही आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें इसको। अब थोड़ा पेश कर लेता हूँ, मैं पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि खाना ब्रेकफास्ट तो मेरा कम हो चुका है। ब्रेकफास्ट के साथ साथ मेरा घर में रहना कम ना हो जाए। कल तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट था, आज तो ब्रेकफास्ट भी कम है। हाँ, तो आज ब्रेकफास्ट में मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर दी है, खाली रस और छोटा सा चाय का कप पकड़ा दिया है। और मेरे को बहुत भूख लगी थी, क्योंकि आप जानते ही हो किसी चैलेंज को पूरा करने के लिए और किसी चैलेंज को चैलेंज करने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और मेरा बच्चा देखो, मेरे को देख के दो रस के साथ असर है और पैडों के साथ मैं हूँ और मेरी हालत डाउन डे वन पे। आज डे टू है, याद रखना, आज डे टू चालू हो चुका है मेरा। ब्रेकफास्ट बैग रेडी है स्कूल छोड़ के जाने के लिए, फिर अपना वही काम, पर्सनल काम, फिर अपने बिजनेस का काम। स्कूल का टाइम हो चुका है, अब हमारे बेटे का हम स्कूल से उसको पिक करने जा रहे हैं। और इस टाइम दोपहर के 12:15 बज चुके हैं, तो सुबह से और अभी तक 4-4.5 घंटे हो चुके हैं पैड पहने हुए। और अभी गली में हम निकल चुके हैं, तो शायद गली वाले को थोड़ा अजीब सा लगेगा। पैड पहन लिए हमने और हम गली में निकल चुके हैं पैड पहन के। वो अभी लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आज डे टू है मेरा। डे टू में अभी तक ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा कि भाई क्या हो गया। इंडिया की टी शर्ट भी है और साथ में पैड भी है, सब कुछ है। तो ऐसा बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। और मैं चल रहा हूँ, रखी है हमारी गाड़ी पार्क हो रखी है, मस्जिद में है ये गाड़ी। हम अपनी गाड़ी उठाएंगे, आज सब लोग फ्री है। इधर सामने हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है, तो अब ये गाड़ी को यहाँ से पिक करेंगे। पिक करने के बाद फिर अभी निकलेंगे। काफ़ी लोगों ने देखा कि अभी क्या हो रहा है, और आज खुद ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं। डिफ़िकल्टी है आज थोड़ी ड्राइविंग करने में, सीट भी पीछे नहीं हो रही है। वाह, पैड भी फंस रहा है, देखते हैं कैसे ड्राइविंग होती है। लेकिन चैलेंज है, चैलेंज पूरा करेंगे। डे टू है मेरा आज, और आज पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, हो जाएगी। स्टार्ट हो चुकी गाड़ी, अब बेटे को पिक करने के लिए निकल चुके हैं हम स्कूल से, और जो अपने काम थे सारे वो निपटा लिए हैं। और डे टू भी ऊपर वाले की दुआ से अच्छा गया है, और इंडिया टीम को पूरा चेयरअप मिल रहा है मेरी तरफ से, और वर्ल्ड कप जीतेंगे हम पूरे 100% एफर्ट मारेंगे हमारे इंडियन प्लेयर। चलाने में, ड्राइविंग करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, क्योंकि मेरे पैड जो स्टीयरिंग में थोड़ा सा लग रहे हैं, तो स्टीयरिंग टर्न करने में और थोड़ा सा क्लच और ब्रेक करने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि पैर उठने में प्रॉब्लम कर रहा है। स्टीयरिंग में मेरे पैर थोड़े फंसे हुए हैं, और मैं चैलेंज मैंने किया है तो इतना बड़ा, तो वो तो पूरा करना ही है, अपने आपको कॉन्फिडेंस में रखना है। तो चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। पूरा दिन आज, आधा दिन निकल चुका है और पूरा दिन डे टू का भी निकल जाएगा। क्लच दबाने में, ब्रेक दबाने में चार आँख बनानी पड़ेगी आज, और चार हाथ पैर, क्योंकि क्लच ब्रेक बड़ा इश्यू हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, इंडियन टीम को जिता के रहेंगे हम। पूरा सपोर्ट किया इंडियन टीम को हमने, और देखो गाड़ी मैं चला भी रहा हूँ 50-60 की स्पीड पे, और मैनेज भी कर रहा हूँ। दिखाइए स्पीड मीटर की। स्टीयरिंग टाइट हो जाता है पैड में फंसने के बाद। ये देखिए, हम अपने बेटे के स्कूल आ चुके हैं, अपने बेटे को ले रहे हैं। स्कूल की छुट्टी होने वाली, जस्ट 5 या 4 मिनट्स लेफ्ट है छुट्टी होने के लिए। हम उसके स्कूल आ गए, वेट कर रहे हैं इधर, सब अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। तो बड़ी डिफ़िकल्टी है डे टू में। स्कूल पहुंच गया हूं मैं गाड़ी के साथ,
पैड में बैठा हूँ, बच्चे की छुट्टी होगी, बच्चे को लेके आऊंगा, बच्चे की मैम देखेंगे, सब देखेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप है, इंडिया को जिताना है। स्कूल से पिक कर लिया हमने अपना पुत्र मिस्टर रवि चौधरी, हाँ जी चौधरी साहब आपको ले लिया हमने स्कूल से, पापा ने देखो ऐसी पैड में, और अब चल दिए इसको वापस लेके घर की तरफ, और ड्राइविंग कंटिन्यू ऐसी कर रहे हैं हम। तो दोपहर का 2 बज चुके हैं, डे 2 में हमारे, और अब हमारा ऑफिस के अंदर लंच चल रहा है डे 2 का। सुबह से आप देख रहे हैं कंटिन्यू पैड के अंदर हमने बच्चे को स्कूल भी छोड़ के आए, स्कूल से लेके भी आए, अपने भी छोटे मोटे काम निपटाए हैं, और अभी ऑफिस में हमारे लंच चल रहा है। दोपहर के 2 बज चुके हैं, हम उसी पोजिशन में उन्हीं कपड़ों में सेम वैसे ही मिलेंगे, और डे 2 का हाफ डे जा चुका है, और फुल डे भी आपको हम पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो शाम के 4 बज चुके हैं, सुबह से पैड पहनी हुई है, डे 2 है आज, आप लोगों को पता है वर्ल्ड कप का भी डे 2 है और मेरा भी डे 2 है, तो आप घड़ी में देख सकते हैं 4 बज चुके हैं। थकान हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डे 1 पे मेरे को रात को नींद नहीं आई थी अच्छे से, तो हमने दोनों पार्टनर ने एक एक चाय ली है शाम की, हल्की सी नींद उतरेगी अब और थकान भी कम होगी। हल्का सा मिक्सचर हमने रखा हुआ नमकीन का, जिसको डाइट बोलते हैं, और अपना काम पूरा डेडिकेशन से करते हुए, और इसी के साथ साथ 2 वर्ड आर्यन जी बोले। एक तो मैं चीज़ बोलूँगा जो मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था, आप लोग पता नहीं क्यों शेयर नहीं कर रहे वीडियो। एक बंदा इतनी मेहनत से इंडिया टीम को सपोर्ट करने के लिए 46 डेज तक पैड पहना हुआ है, तो आप लोग थोड़ी देर एक सेकंड लगा के शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं, नंबर 1। और दूसरी, जब मुझे पता लगा था कि ये चैलेंज होगा 46 डेज का, मैं जेन्युइनली बहुत डर गया था, बिकॉज 46 डेज पैड्स में पहनना एंड रहना इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए उतारते हैं, दैट टू व्हेन उन्हें चेंज करना होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। एंड मतलब आप सोच नहीं सकते कितना मुश्किल चैलेंज होगा, तो इसके लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हर वीडियो पे जरूरी बनता है। 4 o'clock मैं इसको ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देना है अपने चैलेंज के साथ साथ, तो फिर मैं इसको लेने भी आऊँगा। और ऊपर चढ़ के नीचे चढ़ के जीने पे बहुत थकान भी हो चुकी है। ओ माई गॉड, शुभमन गिल को ये क्या हो गया, इंडियन टीम के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। इतने अच्छे प्लेयर थे ये गिल, और इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, ये वर्ल्ड कप की बहुत बैड न्यूज़ आई है। इसको देखते ही सुनते ही मेरा मूड ख़राब हो चुका है। ईशान किशन रिप्लेस करेंगे, वो भी अच्छे प्लेयर हैं, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा गिल को जल्दी से जल्दी अपने रिकवरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप कोई छोटी चीज़ नहीं होती मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने भी 45 डेज का चैलेंज किया है, 46 डेज का चैलेंज किया है इंडियन टीम के लिए, और अभी तो आज तो डे 2 ही है। तो शाम के 5 बज चुके हैं, तो अब हमारे करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, तब हम मैच देख रहे दोनों, क्योंकि हमारा काम फिनिश हो चुका है, और हम पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच एंजॉय कर रहे हैं दोनों, क्योंकि मैच भी देखना ज़रूरी है, वो नॉलेज भी लेनी बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज अगर हमको नहीं होगी तो किसी को चीयरअप करना और किसी के लिए चैलेंज करना वो ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए इंडिया की सारी नॉलेज और बाकी वर्ल्ड कप की नॉलेज बनती है। और वर्ल्ड कप देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल, और चैलेंज भी लिया हुआ है, तो वर्ल्ड कप तो देखना तो करना चाहिए। कल न्यूजीलैंड ने इतना अच्छा खेला, बैटिंग करी डेवन कॉनवे ने एंड उसके पार्टनर रचित ने, क्या बैटिंग करी उन्होंने। ऐसे लग रहा था कि न्यूजीलैंड हार जाएगा, लेकिन एक तरफा मैच जो उन्होंने बनाया ना उसमें, और वैसे ही आज होने वाला है, पाकिस्तान लेट गया है, नेदरलैंड ने 6 विकेट ले लिए, 195 पर कितना अच्छा खेल रही है, तो इसलिए कभी किसी को हल्के में ना ले, क्योंकि ये क्रिकेट है, ये गेम है, कभी भी पलट सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये वर्ल्ड कप है, कप की तो बात हो रही है यहाँ पर, जो हम चैलेंज करके बैठे हैं इंडिया को जिताने के लिए, ये बैठे हैं कंटिन्यू, थोड़े सी टेंशन में आ गए क्योंकि शुभमन गिल, क्योंकि गिल को थोड़ा सा डेंगू हो गया ना, तो मेरी टेंशन है ना बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि एक अच्छा बैट्समैन था, एक अच्छा प्लेयर इंडिया के लिए था, एंड बिल्कुल फॉर्म में, इन फॉर्म। ओ, एक और विकेट, ओ नो, थोड़ा सा आगे हो गया, बट अपने पाजी बहुत अच्छा एफर्ट था छोड़ दिया, देखो देखो देखो, देखो, देखो कितना ब्यूटीफुल था, बिल्कुल, ओए कैमरामैन भी साथ नहीं दे रहा
पर बहुत बहुत अच्छा एफर्ट लगाया था, बहुत अच्छा एफर्ट था, और नेदरलैंड बहुत अच्छा एफर्ट लगा रही है, 100% अपना वर्ल्ड कप में दे रही है, कितनी बड़ी टीम के साथ जो खेल रही है, पाकिस्तान के साथ अपना 100% दे के खेल रही है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स। हाँ, ऑल द टीम्स, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन मैं चीयर अप इंडिया को कर रहा हूँ, जीतेगा इंडिया ही। भाई काव्या हरन भाई आओ, भाई आओ, इमरान भाई आओ यार, 3-4 दिन हो गए आपको, 3-4 दिन से आप मिल नहीं रहे, वीडियो भी शूट नहीं कर रहे हमारे साथ। अरे क्या करूँ, आओ बैठो यार, है ना, इसलिए थोड़ा बिजी हूँ। आओ बैठो बैठो, बढ़िया काम जरूर करना है। अरे ये अब आपके लिए जूस लेकर आओ यार, आप मैंने देखा कि यार मुझे थोड़ा सा वो हो गया कि यार रन में जरूर थक गए होंगे, तो जूस लेकर आयो आपके लिए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच, आप जूस लाए, एनर्जी की भी जरूरत भी थी मेरे को। हाँ ठीक है, बिल्कुल थोड़ी जरूरत भी थी एनर्जी की। ये देखिए बस 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 आओ। और कैसे आना हुआ, कैसे आपको पता चला? 3-4 दिन हो गए थे, मैं आपसे मिला नहीं था, क्योंकि हम वीडियो भी नहीं बना रहे, क्योंकि ना कंपनी का काम भी मुझे देखना पड़ता है, स्पोर्ट डे चल रहा है स्कूल्स के, तो वो भी थोड़ा सा देखना पड़ रहा है इसलिए। और तो, बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है, आज मेरा डे टू है, डे फर्स्ट मेरा बहुत अच्छा गया, मैं सब लोगों को बता रहा हूँ। हल्का सा मुझे रात में थकान हुआ, अनकम्फर्टेबल हुआ, थोड़ा करवट लेने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। आज सुबह से मैं 6:30-7:30 से मैं रेडी हूँ, और आप आए मेरा मुझे देखने, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, 6:15 हो चुके घड़ी में, और मैं आपको हर घंटे का अपडेट दे रहा हूँ। मैंने आपको 11 बजे का अपडेट दिया, 12 का दिया, 3 बजे का दिया, 4 का दिया, 5 का दिया, 6:15 बजे हो रहे हैं। तो मेरा डे टू यहाँ पे क्लोज होने जा रहा है, क्योंकि रात का मैं बड़ा थका हुआ भी हूँ, मेरे को रात सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, अभी भी आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, क्योंकि जीने पे पैड में चढ़ना उतरना बड़ी डिफ़िकल्टी है, और हमारे इमरान भाई आए हैं मेरे लिए थोड़ी एनर्जी लेके, तो उनको बहुत थैंक्सफुल बोलूँगा मैं कि थैंक यू सो मच इमरान भाई, आपने थोड़ा ख्याल रखा मेरा, मेरे बारे में सोचा, और मैं इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ इमरान भाई, उसके लिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और मेरा डे टू है इमरान भाई, तो मैं चाहता हूँ इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीते, हमारे घर में वर्ल्ड कप हो रहा, 2023 में हमने बहुत बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करी हैं, आपको सबको नॉलेज होगी, सबको पता होगा। तो मैं आज जल्दी सोने की कोशिश करूँगा, क्योंकि रात में बहुत अनकंफर्टेबल रहा हूँ, तो मैं इसी के दौरान अपना डे टू ख़त्म करना चाहता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच।